हाई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू आई एक्स एम बी आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन तो शुरू करते हैं आज का हमारा करेंट अफेयर जो कि है दस दिसंबर दो हज़ार बाईस सो एज़ यू ऑल नो न्यू ईयर इज़ कमिंग सो वाई नॉट इन दिस न्यू ईयर यू नो यू प्लेच डेट यू विल रीड एंड यू विल रिवाइज सो टू रिवाइज आपको करना ये है आपको शाम को हमारे वेब पेज से वी पीडिया को डाउनलोड करना है और उससे आपको रिविजन करना है अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप वीकली बी को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो आप डेली बी से पढ़ो वीकली बी से रिवाइज करो और हाईलाइट करो आप मंथली बी को सो so दैट ये हाईलाइटेड पॉइंट्स आप एग्जाम से पहले पढ़ पाओ यू नो इट वुड बी ए वेरी गुड अप्रोच अगर आपको इस अप्रोच के बारे में और समझना है तो प्लीज़ डू राइट इट इन दी कमेंट सेक्शन so with this you know let's begin with the first piece of news that is sej rule so as you know parliament function pe hai so news flow bahut zyada hai right so we would be getting news from all different sectors of the economy to dekho sej ka full form kya hai special economic zone matlab देश के अंदर में एक छोटा सा जगह को special economic zone बोला जाता है वहाँ पे जो लोग अपना बिजनेस सेटअप करते हैं उनको कुछ incentive मिलता है as simple as that मोस्ट ऑफ दी आईटी सेक्टर्स जो आज फंक्शन कर रहे हैं इंडिया में चाहे विप्रो कोलकाता का हो या विप्रो बैंगलोर का हो इन्फोसिस बैंगलोर का हो या इन्फोसिस हैदराबाद का हो राइट टी सी एस पुणे का हो या टी सी एस चेन्नई का हो हैदराबाद का हो तो ये सारे जो कंपनीज हैं ना ये एसी से फंक्शन करते हैं इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडियन कंपनी इट्स ऑल्सो अबाउट दी फॉरन कंपनीज राइट तो उनको कुछ इंसेंटिव चाहिए तो इंसेंटिव उनको गवर्नमेंट थ्रू प्रोवाइड करती है तो अभी के दिनों में देखो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जिसके अंडर में ही आती है उन्होंने एसीजेड रूल्स को थोड़ा सा लिबरेट किया है मतलब उसमें छूट दी है किस चीज़ को लेके वर्क फ्रॉम होम को लेके क्योंकि देखो वर्क फ्रॉम होम जो कल्चर है ये शुरू कब हुआ आफ्टर कोविड तो उससे देश में ये देखा गया कि काम तो बढ़िया ही चल रहा है या वर्क फ्रॉम होम में और अच्छा चल रहा है यस yes, ऑब्वियसली कुछ लीकेज इधर उधर से रहेंगी बट इन इन अनदर वे काम तो बढ़िया ही चल रहा था तो गवर्नमेंट ने भी ये परमिट कर दिया कि आप 31 बारह 2023 तक वर्क फ्रॉम होम चला सकते हो इसके पीछे का वजह आप सुन लो जो एसीजेड है इसका मोटो क्या है मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक जोन में होगा ठीक है तो देखो यहां आपसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होगा राइट right? एंड यहां बहुत सारे एम्प्लॉय काम करेंगे तो आसपास का जो लोकल इकोनॉमी है ना उसको भी ये बूस्ट करेगा अब अगर यहाँ लोग काम ही नहीं किए वर्क फ्रॉम होम में काम किए तो लोकल इकोनॉमी तो सर्वाइव मतलब थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये एसिडि रूल्स के खिलाफ था तो गवर्नमेंट ने उसको परमिट कर दिया है ठीक है मतलब ये जस्ट एन हाइपोथिटिकल एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए तो कब तक हुआ है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या याद रखना है वो तो मैं गोल बना दूंगा वर्क फ्रॉम होम परमिटेड अप टू थर्टी वन ट्वेल्व दो हजार तेईस थीके? मतलब अगले साल दिसंबर तक वर्क फ्रॉम होम में प्रोवाइडेड टू हंड्रेड परसेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉय ऑफ दी एसडीडी यूनिट पूरा एसइजेड यूनिट बंद करके हंड्रेड परसेंट एम्प्लॉय को दिया जा सकता है दिस इज वॉट गवर्नमेंट सेज अब देना है नहीं देना है कितना दे सकते ये तो कंपनी ही डिसाइड करेगी अपने बिजनेस के हिसाब से राइट सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है ठीक है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज पे दैट इज पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान तो ये जो अभियान है देखो ये हर महीने के नौ तारीख को चलाया जाता है ठीक है हर महीने के नौ तारीख को टू प्रोवाइड एंटी एंटीनेटल केयर ठीक है एंटीनेटल केयर टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन इन देर सेकेंड एंड ट्राई थर्ड ट्राइमिस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी सो यहाँ पे अगर हम बात करें डेटा की तो डेटा कुछ इस प्रकार है परसेंटेज ऑफ मदर हू हेट एटलीस्ट फोर एंटीनेटल तो दिस शोस जो गवर्नमेंट अपनी स्कीम रन कर रही है ना वो लोगों तक पहुंच रहा है देखो इक्यावन प्रतिशत लोग जाते थे दो हजार पंद्रह सोलह के बीच में वही दो हजार उन्नीस इक्कीस के बीच में 58.1 तो मतलब आज के दिन में ये कहीं ना कहीं पैंसठ परसेंट के आसपास होगा राइट right? मतलब आज तो हम 10 दिसंबर 2022 को रिकॉर्ड कर रहे हैं बट ऑब्वियस सी बात है हमको हाइपोथेटिकली नहीं सोचना है जो डेटा है वो तो है ये आपको याद कर लेना है बट यस yes, अगर आपको मतलब प्रिडिक्ट करना है कितना हो सकता है तो कहीं ना कहीं पैंसठ परसेंट के आसपास आज के दिन में होगा अब परसेंटेज ऑफ वुमेन विथ इंस्टीट्यूशनल वर्क इन पब्लिक फैसिलिटी इंक्रीज फ्रॉम फिफ्टी टू पॉइंट वन परसेंट टू सिक्सटी वन पॉइंट नाइन परसेंट इन एन एफ एच एस फाइव इसका मतलब क्या है यूजली जो गूगल इंडिया और गाँव में होता क्या है जो प्रेगनेंट वुमेन जो बच्चा डिलीवर करती हैं वो अपने घर पर ही करती हैं राइट तो एन एफ एच एस फोर में इंस्टीट्यूशनल बर्थ मतलब ये जो बर्थ हुआ है बच्चे का ये किसी हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक में किसी डॉक्टर के सुपरविजन में हुआ है राइट देट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल बर्थ मतलब ऐसा नहीं घर पर हुआ है इंस्टीट्यूशन मतलब वो हॉस्पिटल या कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी में ही हुआ है तो 52 से ये 61.9 चला गया है ठीक है तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है ऑल्दो ये डेटा शायद आपने एन एफ में पड़ा हुआ है देखो इंपॉर्टेंट ये है कि ये डेटा फिर से रिपीट हो रहा है अभी इस रिपीट क्यों हो रहा है क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में है जो कंसर्न मिनिस्टर है वो रिट, उनको रिटर्न रिप्लाई किसी क्वेश्चन का देना पड़ता है जिस वजह से ये डेटा रिपीट होता है एंड यही से क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन ना बन सकता है क्योंकि ये न्यूज में रीअपियर हो रहा है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो यू नो दिस थिंग्स अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की बात करें तो वो तो आप समझ गए हो लेकिन ये कब लॉन्च हुआ है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ ठीक है कमेंट सेक्शन में बताओ पी एम एस एम ए कब लॉन्च हुआ है बढ़ते हैं आगे हमारा नेक्स्ट न्यूज पे वो है फेम स्कीम तो देखो फेम स्कीम भी ये है फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वेहीकल इन इंडिया फेम स्कीम तो फेम वन एंड फेम टू पॉइंट ओ भी चल रहा है तो अभी इसमें जो रिप्लाई आया है मिनिस्टर का उसमें डेटा ये है कि सिक्सटी फोर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैनुफैक्चरर्स रजिस्टर्ड फॉर एवेलिंग डिमांड इंसेंटिव अंडर द फेम इंडिया स्कीम फेज टू एज ऑन अक्टूबर ट्वेंटी टू ठीक है अक्टूबर के हिसाब से डेटा है जिसमें एल ई टू व्हीलर्स है थ्री व्हीलर्स है फोर व्हीलर्स है बसेस भी है सो so, कहीं ना कहीं मतलब ये जो अडोप्शन है ये देश में काम कर रहा है एंड इट विल भी अडोप्टेड एंड ये दिखता भी है राइट right? जैसे बड़े सिटीज में जो सिटी बस है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फ्लीट में कन्वर्ट हो रहा है राइट right? उसके बाद इलेक्ट्रिक कार्स का भी अडोप्शन बढ़ रहा है ऑल दो यू नो दे आर फेसिंग ए चैलेंज रिगार्डिंग चार्जिंग स्टिल यू नो पीपल आर बाइंग इट तो ये सारा बात इस पर कहा गया है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ पे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आउटलेट्स तो देखो इसमें न्यूज किस प्रकार है 535 रेलवे स्टेशन है कवर्ड विथ 527 ट्वेंटी सेवन वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आउटलेट्स ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव यह है वोकर फॉर लोकल विजन सिंपल सी बात है देखो रेलवे स्टेशन पूरे देश भर में फैला हुआ है राइट एंड फुटफॉल बहुत ज्यादा है जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वैसे ही गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट तो मतलब कोई भी एक स्टेशन मतलब स्टेशन जो है ये एक प्रोडक्ट का डिस्प्ले करेंगे तो इससे फायदा ये होगा वो स्टेशन जिस लोकैलिटी में है उस लोकैलिटी के किसी प्रोडक्ट को बूस्ट मिलेगा क्योंकि रेलवे स्टेशन में लोग जो है पूरे देश भर से आना जाना करते हैं यू नो इवन इफ दे आर नॉट बाइंग दे वुड बी अवेयर एंड अवेयरनेस यू नो इज इंपॉर्टेंट मान के चलो आपने कभी आ, मान के चलो ठीक है आपने कभी बिहार के पटना स्टेशन में गए कोई एग्जाम देने गए राइट right? आपको कुछ बाई नहीं करना है बट आपने एक प्रोडक्ट देखा पटना स्टेशन में ठीक है तो आपको वो अच्छा लगा सो वेन यू कम बैक टू योर होम स्टेट एंड होम सिटी यू वुड बी स्पीकिंग यू नो रिगार्डिंग इट टू एटलीस्ट फाइव पीपल आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में बताओगे क्या पता उनमें से कोई अगर कोई फ्यूचर में पटना गया उनको याद आएगा आपने कुछ बोला था लेक्सी उनको पसंद आया दे विल बाय अगर आप नहीं बोलते वो अवेयरनेस नहीं फैलता राइट सो यू नो दिस इज हाउ द इकोनॉमी वर्क मतलब कई बार एक सामान को खरीदने से ही इकोनॉमी को बूस्ट करना नहीं होता है उसका अवेयरनेस फैलाना इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट सी वेन यू डोंट नो दैट ए प्रोडक्ट एग्जिस्ट यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन बाइंग इट ठीक है तो सबसे पहला तो जानना कि एक प्रोडक्ट है सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव 535 रेलवे स्टेशन आर कवर्ड विथ फाइव हंड्रेड सेवेंटी टू वन स्टेशन एंड वन प्रोडक्ट ठीक है ऑब्जेक्टिव क्या है ये तो आपको समझ में आ गया है थीक? जो प्रोडक्ट्स है ये प्रोडक्ट्स किस कैटेगरीज में है तो देखो हैंडी क्राफ्ट आर्टी कैटेगरीज में है टेक्सटाइल एंड हैंडलूम कैटेगरीज में है ट्रेडिशनल गार्मेंट्स में है एंड लोकल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेस्ड सेमी प्रोसेस्ड फूड्स में है तो ये सारा आइटम्स है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो so, बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज पे वो गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल जैसा कि पीएम गतिशक्ति है जो जिसका एग्जाम्पल आई थिंक हमने कल या पर्सों के करंट अफेयर में समझ लिया था वैसा ही गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल है मतलब ये रेलवे रिलेटेड है तो 79 नाइन इन प्रिंसिपल अप्रूवल है डेवलपमेंट ऑफ कार्गो टर्मिनल अंडर गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी ठीक है तो 125 एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 79 इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है ठीक है एंड दिस वुड बी एन इंपॉर्टेंट स्टेप्स टूवर्ड्स द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स विद इन दी कंट्री बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे वो है घर गो होम एंड री यूनाइट पोर्टल डेवलप्ड अंडर दी एन सी पी सी आर टू डिजिटली मॉनिटर एंड ट्रैक रिस्टोरेशन एंड रिपोर्टेशन ऑफ चिल्ड्रेन तो देखो कई बार ये होता है ना छोटे बच्चे लोग को आ, मतलब किडनैप करके यहाँ से दूसरे जगह लेके उनसे या तो फोर्स लेबर करवाया जाता है है ना या तो उनको आ, मतलब कई बार छोटे लड़की लोगों को लेके जाया जाता है यू नो टू टू सो दैट वेन दे बिकम दे दे कैन वर्क इन ब्रथल एंड ऑल्स तो ये ये जो सारा काम है है ना ऑल दो इट्स इट्स यू नो इट्स नॉट गुड बट पीपल आर डूइंग इट लोग करते हैं तो जिस वजह से नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इन्होंने एक पोर्टल डेवलप किया है घर गो होम री पोर्टल फॉर रीस्टोरेशन एंड रिप्रोजेशन ऑफ चाइल्ड ठीक है

दी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि उनको बचाया जाए सेकेंड कि उनको एक अच्छे से जगह रखा जाए जहाँ पे उनको प्रॉपर एजुकेशन यू you नो know, एक एक बच्चे के लिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि उसको प्रॉपर एजुकेशन मिले उसको प्रॉपर खाना मिलना चाहिए राइट right? उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए सो दैट दे कैन प्ले दे आर चिल्ड्रंस राइट दे कैन प्ले तभी उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ताकि उनका उनका जो मेंटल डिसबैलेंस हुआ है तो वो डिसबैलेंस सही हो एंड रिगार्डिंग दैट ये जो पोर्टल है ना दिस पोर्टल इज गोइंग टू हेल्प बिकॉज सी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विल इंक्रीज द एफिकेसी ठीक है सिंपल सी बात है कोई भी कोई भी इनिशिएटिव का एफिकेसी ही इंपॉर्टेंट है काम तो होता है किसी भी इनिशिएटिव में है ना काम जरूर होता है टेन परसेंट काम हो नाइन्टी परसेंट काम हो इट डजेंट मैटर अगर टेन परसेंट काम होगा विथ वन परसेंट एफिकेसी तो कोई मतलब नहीं है टेन परसेंट काम हो रहा है तो एफिकेसी भी संवैग्राउंड नाइन टू टेन परसेंट होना चाहिए है ना वो काम करना चाहिए दैट इज हाउ थिंक इज गोइंग टू वर्क ठीक है तो ये आपको याद रखना है घर गो घर हो होम री यूनाइट पोर्टल किसका है एन सी पी सी आर का नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का ठीक है ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको समझ में आ गया क्यों डेवलप किया ये भी आपको समझ में आ गया है पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ पर हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेट एक्सचेंज तो देखो सबसे पहले ना ये जो इंटरनेट एक्सचेंज क्या है लिखा बहुत कुछ है बट आप मेरी बात सुनो आप मान के चलो पॉइंट ए में हो ठीक है लेट से अब मे, मैं मेरी बात करता हूँ राइट मैं अभी छत्तीसगढ़ के एक सिटी में हूँ ठीक अब मैंने इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है तो मेरे आसपास मान के चलो इंटरनेट एक्सचेंज नहीं है आई गेस यू नो मेरे आसपास जो इंटरनेट एक्सचेंज है वो है भोपाल में ठीक वो है भोपाल में तो अब मैं जो डेटा ट्रांसमिट करता हूँ वो थ्रू आईएसपी वो भोपाल से होके वो घूम के ना, वो डेटा उठा के लाता है एंड रिटर्न आता है तो ये जो इंटरनेट एक्सचेंज जितना दूर होगा मेरे से उतना डिले होगा मेरे एंड पे समझ इंटरनेट डिले लेटेंसी जिसको बोलते हैं आई गेस आप लोगों को आ, पता होगा नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं आप पिंग टेस्ट आप जब आ, इंटरनेट स्पीड टेस्ट डॉट नेट ये वाले वेब पेज पे जाओगे या कोई भी स्पीड टेस्ट करने की कोशिश करोगे ना आपको एक पिंग स्पीड मिलेगा सो दिस पिंग स्पीड शोज द लेटेंसी कि ये लेटेंसी ज्यादा रहेगा जब मेरे से जो इंटरनेट एक्सचेंज है वो दूर में है वो जितना पास में है उतना जल्दी मेरा डेटा ट्रांसमिट होगा ठीक है ये लेटेंसी एंड स्पीड दोनों डिफरेंट चीज है डोन्ट गेट कंफ्यूज्ड एंड वैसे भी यू you नो know, इतना टेक्निकल हमको जानना भी नहीं है बैंक एग्जाम्स के लिए सो लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट आप सिर्फ इतना जान लो फोर्टी टू इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया हैव बीन इंस्टॉल्ड इन ऑपरेशन एसोटेड अब तक इंडिया में 42 है जो नया सेटअप हुआ है वो है विशाखापट्टनम में ठीक है विथ वन जी बी पी एस कनेक्टिविटी बिटवीन चेन्नई एंड विशाखापट्टनम अब विशाखापट्टनम क्यों बिकॉज इन फ्यूचर विशाखापट्टनम को एक आई टी हब में डेवलप करने की कोशिश हो रही है एंड आई टी हब तभी आएगा जब इंटरनेट बहुत फास्ट रहेगा मतलब इवन आई टी सोल्यूशंस में जो बिकॉज सिंस आई यूज टू वर्क इन आई टी राइट आई स्टार्टेड माई करियर विथ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी सो जो पिंक है ना वहाँ पर दो एक दो का पिंक चाहिए इवन अगर एक से कम भी आए तो चलेगा मतलब बहुत अच्छा है यू नो दैट इज दिक्सी दैट दे यू नो वांट तो अब ये तभी पॉसिबल है जब इंटरनेट एक्सचेंज पर्टिकुलरली उसी uh, सेंट्रल के आसपास कहीं पर रहेगा तभी ही इसकी पॉसिबिलिटी बनती है सो so, फ्यूचर में विशाखापट्टनम को डेवलप करने का इसके लिए ये एक स्टेप इम्पॉर्टेंट लिया गया है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ पे कुछ अदर्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉरेक्स रिजर्व जैसे कि मैंने पिछले वीक भी बताया अब से हम ये देखेंगे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है द रीजन इज सिंपल यूएस का इन्फ्लेशन ईज हुआ है यूएस फेड रिजर्व अभी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने वाला है तो वहाँ से बहुत हैवी क्वान्टिटी में डॉलर इनफ्लो है सो so, आर अब फॉरेक्स मार्केट में कोई कुछ कर नहीं रहा है वो अप्रिशिएट कर रहा है राइट right? सो so, जो फॉरेक्स है वो तो फॉरेक्स रिजर्व में ही रहेगा तो ये धीरे धीरे वीक ऑन वीक बढ़ेगा ठीक है एट प्रेजेंट एक्ट सेक्ट फाइव हंड्रेड सिक्सटी वन बिलियन यूएस डॉलर बिलियन नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखो जो टू व्हीलर्स कंपनी था इनको ना एक डेडलाइन मिला हुआ था कि आप अपने व्हीकल्स में एक ऐसा कॉम्पोनेंट लगाओ जिससे एमिशन को डिटेक्ट किया जाए मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गाड़ी छोड़ रही है ठीक है वो कंट्रोल में है कि नहीं है ये आपको बता दे एक कैटलिक कन्वर्टर होता है वो अब जो एमओ आर थे उन्होंने बोला कि ठीक है आप इसको फर्स्ट अप्रैल 2025 तक कर देना मतलब दे हैव यू नो गवर्नमेंट हैज गिवेन ए यू नो रिस्पाइट टू देम उनको उनको एक एक लंबा समय दिया गया टू टू अडॉप्ट टू दिस चेंजेस दैट्स इट सो विद दिस लेट्स मूव टू द लास्ट वन लाइनर वो है स्किल डेवलपमेंट तो देखो जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग चल रहा था फॉर वुमेन इन दी नॉर्थ ईस्ट रीजन उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया है कि पीपल आर कल्टिवेटिंग मशरूम थ्रू दैट फॉर देयर लिवलीहुड एंड दे आर अर्निंग प्रॉफिट राइट दे आर अर्निंग प्रॉफिट तो एक फैमिली का प्रॉफिट समवर अराउंड फोर्टीन थाउजेंड के आसपास मंथली होगा एंड दैट इज वेरी गुड ठीक है उनको उनके uh, रीजनन के हिसाब से सो विथ दिस वी आर डन फॉर द डे लेट्स मी टूमो मॉर्निंग वन सेकेंड टिल देन अनफॉर यू पोटेंशियल विद आई एक्स एम बी And all the best. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.